प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कई दफा जंगल सफारी पर गए। हर तस्वीर देश भर में वायरल हुई। कुनो चीतों के संरक्षण के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी आ गए। पीएम मोदी कहते हैं कि उनका वन्य जीवों के साथ अनोखा रिश्ता है, उनका जंगल के साथ एक अनोखा रिश्ता है, उनका नेचर के साथ एक अनोखा रिश्ता है। और इस रिश्ते को एक बार फिर भारत ने देखा जब प्रधानमंत्री मोदी काजीरंगा नेशनल पार्क पहुंचे। तस्वीरें एक बार फिर से वायरल हुई। डर के आगे मोदी है। खतरों से खेलना मोदी का नेचर। खतरनाक एडवेंचर पर सियासत का सबसे बड़ा सूरमा। देखो देखो कौन आया, गुजरात का शेर आया। 2002 के गुजरात विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तब वे प्रचार में जहां भी जाते थे पूरा इलाका इसी नारे से गूंज उठता था। प्रधानमंत्री मोदी के साहस की कहानी को किसी साहित्य से लिख पाना ऐसा है जैसे मोदी की लोकप्रियता को खारिज कर देना, यानी असंभव। मोदी का कद आज वहां पहुंच चुका है जहां उन्हें गुजरात का शेर कहकर बुलाने वालों की संख्या सारे बैरिकेड तोड़ रही है। लेकिन मोदी कहने के लिए ही टाइगर नहीं कहलाते, बल्कि कुछ तस्वीरें हैं जो उन्हें इन शब्दों के करीब लाती हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बचपन से ही एडवेंचर बेहद पसंद है। मोदी ऐसे ही खतरों के खिलाड़ी नहीं बने, मोदी ऐसे ही डेयर डेविल नहीं बने। प्रधानमंत्री मोदी को उनका अटूट साहस सबसे बड़ा जिगर वाला बनाता है। सियासत के सबसे बड़े सूरमा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 5 बजे काजीरंगा नेशनल पार्क पहुंचे, जहां से पीएम मोदी ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो जीप में बैठकर पार्क में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस काफिले में 2 से 3 जीप नजर आ रही हैं। वीडियो में देखा जा सकता है पीएम मोदी हाथी पर बैठकर नेशनल पार्क के जानवरों को निहार रहे हैं। पीएम मोदी ने काजीरंगा नेशनल पार्क के अपने दौरे पर हाथियों को खाना भी खिलाया। प्रधानमंत्री की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी तस्वीरें शेयर की गई हैं, जिसमें उन्हें 3 हाथियों को गन्ना खिलाते हुए देखा जा सकता है। उन्होंने इनके नाम भी बताए हैं। पीएम मोदी ने कहा, लखीमाई, प्रद्युम्न और फुलमाई नाम के हाथियों को गन्ना खिलाया। जंगल सफारी पूरी करने के बाद पीएम मोदी ने काजीरंगा नेशनल पार्क में तैनात महिला फॉरेस्ट गार्ड से भी मुलाकात की। काजीरंगा नेशनल पार्क 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। यह नेशनल पार्क 430 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ 1000 से ज्यादा गैंडे और हाथी रहते हैं। इसके अलावा कई बंगाल टाइगर्स भी यहाँ रहते हैं। साल 2006 में काजीरंगा को टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया था। ये पार्क केवल नवंबर से अप्रैल तक ही टूरिस्ट के लिए खुलता है, मई से अक्टूबर तक इसे बंद कर दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेचर कनेक्शन कोई आज की बात नहीं है। पीएम मोदी बचपन से ही नेचर के बहुत करीब रहे हैं। पीएम मोदी बचपन से ही डेयर डेविल भी रहे हैं। पीएम मोदी बचपन से ही जान हथेली पर रखकर घूमते हैं। पीएम मोदी बचपन में मगरमच्छ भी पकड़ कर लाए थे। वडनगर के शर्मिष्ठा तालाब में पीएम मोदी अक्सर खेलने जाया करते थे।
इस तालाब के पास जाने से बाकी बच्चे डरते थे क्योंकि इस तालाब में खूंखार मगरमच्छ रहते थे। इस तालाब में तैरना मोदी को बेहद पसंद था। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मोदी का मगरमच्छ से आमना सामना हो गया। मोदी मगरमच्छ को पकड़कर घर ले आए। तब माँ हीरा बा ने उन्हें समझाया था कि यह गलत बात है। माँ के कहने पर मोदी मगरमच्छ को वापस तालाब में छोड़ आए थे। मोदी और नेचर से जुड़े किस्से कल्पनाओं से दूर है। नरेंद्र मोदी को बचपन से ही पशु पक्षियों से प्रेम रहा है। कॉमन मैन नरेंद्र मोदी में किशोर मकवाना ने किस्सा लिखा है। स्कूली दिनों में नरेंद्र एक एनसीसी कैंप में गए जहां से बाहर निकलना मना था। गोवर्धन भाई पटेल नाम के एक शिक्षक ने देखा कि मोदी एक खंबे पर चढ़े हुए हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, लेकिन अगले ही पल उन्होंने देखा कि मोदी खंबे पर चढ़कर एक फंसे हुए पक्षी को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने नरेंद्र के इस काम की प्रशंसा की। अब एक बार फिर मोदी नेचर के बीच पहुंचे हैं। अंदाज वही है, बड़े बड़े जानवरों के बीच भी मोदी सहज है, कोई डर नहीं। जहां जंगल सफारी करने में लोगों को कुछ घबराहट होती है तो मोदी के चेहरे से हर शिकन गायब थी। हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया मोदी के अंदाज को देख रही है। वो जमाना अब गया जब हिंदुस्तानी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को देखा करते थे। उनके मल्टी टैलेंटेड होने के कसीदे गढ़े जाते थे, लेकिन अब कैलेंडर में बदलती हर तारीख के साथ दुनिया मोदी का नया अंदाज देखती है। मोदी हर रोज एक नई ऊर्जा के साथ सामने आते हैं। मोदी सुबह उठे तो सनराइज के साथ ही काजीरंगा पहुंच गए। दोपहर होते होते अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर पहुंच जाते हैं। उन्होंने यहां 55,600 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनी डबल लेन टनल भी शामिल है। 10 सालों में हमने यहाँ आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को विस्तार दिया। लगभग 1 दर्जन शांति समझौते लागू किए। हमने अनेक सीमा विवाद सुलझाए। अब विकास का अगला कदम नॉर्थ ईस्ट में इंडस्ट्री के विस्तार करने का है। ईटानगर के कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी असम के जोरहाट पहुंचे। यहां उन्होंने स्वास्थ्य, आवास और पेट्रोलियम से जुड़े 17,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने असम के योद्धा लाचित बोरफुकन के 125 फीट की प्रतिमा का अनावरण भी किया। मेरा पूरा जोर इस बात पर रहा है कि इस बार इसे स्टार्टअप्स, नई टेक्नोलॉजी, होम स्टे, टूरिज्म ऐसे अनेक क्षेत्रों में जो युवा हमारे आना चाहते हैं, मैं उन नौजवानों को पूरा पूरा सपोर्ट करने की गारंटी देता हूं। जोरहाट में कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी पहुंचे। रात होते होते मोदी अपनी कर्मभूमि वाराणसी में है और रविवार की सुबह आजमगढ़ में होंगे। उनका पूरा दिन देश और जनता को समर्पित रहा। ना थकने और ना रुकने की उनकी क्षमता के सभी कायल हैं। उनकी इसी ताकत को लोग शेर से जोड़कर देखते हैं। उनकी इसी एनर्जी को देखते लोग उन्हें टाइगर कहते हैं। लेकिन मोदी के समर्पण की यही भावना जो उन्होंने संघ के प्रचारक के तौर पर पाई थी, वही भावना अब देश को आगे ले जाने का काम कर रही है। युवावस्था में हिमालय चले जाना, साधुओं की संगत में रहना, संघ के प्रचारक के तौर पर देश का कोना कोना छान मारना कोई आसान काम नहीं होता। देश भर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को नाम से जानना, हर इलाके की तासीर को समझना एक ऐसी कला है जिसे हर नेता के लिए समझना असंभव कार्य है। यही अनुभव काम आता है जब उन्हें तुरंत पता चल जाता है कि कमजोर नस कहाँ है और उसे कैसे दुरुस्त करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।